Dear students, once again I welcome you all on behalf of this online class session of class 10th. So we are now about to complete this chapter, the rise of nationalism in Europe. Today only few topics are there that we will study. For your convenience, I have again mentioned those topics in points, and now I am going to elaborate it. One thing I want to tell you in the next part, चूँकि आज ये वीडियो और ये चैप्टर जब ओवर हो जाएगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टर्न है डे आफ्टर टुमारो मींस, उसमें आपको एक वीडियो सिर्फ सिलेबस से रिगार्डिंग मैं बना दूंगा, क्योंकि कई बच्चों के आए थे, कई ने पीडीएफ फाइल पा भी लिए होंगे कई बच्चे, लेकिन उसके बावजूद मेरा काम है कि आपको एक बार सिलेबस प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँ. तो आज ये चैप्टर ओवर कर लेते हैं और इसके बाद से हम लोग सीधे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्योरली टोटल सिलेबस पे होगा, और फिर कुछ असाइनमेंट किया जाएगा, तभी जाके कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, उसके पहले नहीं. सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इन यूनाइटेड किंगडम. तो इनकॉर्पोरेशन मींस शामिल हो जाना. स्कॉटलैंड आयरलैंड दोनों आप ऐसे कह सकते हो कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड मींस जो यूनियन बन जाना, जैसे अपनी ही कंट्री थी, प्रिंसली स्टेट्स में बटी थी, सबको एक संघ में, एक यूनियन में अटैच किया गया और तब जाके पूरी कंट्री बनी. वैसे ही यहाँ पे भी जो अलग अलग स्टेट्स थे या जो एरियाज थे, ज्योग्राफिकल रीजन्स थे, उनको एक में किया गया. इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट अंडरलाइन भी कर लेना बुक में जहाँ कहीं भी हो, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707. ये वो एक्ट था जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ, एक तरह का समझौता कह लो, एक नियम लागू किया गया, एक्ट बना, जिसमें बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. मतलब यहाँ जाके कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो एक्ट था इसके थ्रू पॉसिबल हो पाया. थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आई, स्पेशली कैथलिक्स को आई, कैथलिक्स को दोनों जगह आई, स्कॉटलैंड में भी आयरलैंड में भी, क्योंकि जो इंग्लैंड था वहाँ तो कैथलिक्स, जो ऑर्थोडॉक्स कैथलिक्स थे, वो फ़ायदे में थे, वो मजबूत थे. लेकिन इन जैसी जगहों पर यहाँ पे एक तरह से आप कह लो कि जो कैथलिक्स थे वो डोमिनेट हुए कहीं ना कहीं. कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, एक्चुअली क्रिश्चियन के दो सेक्ट्स हैं, दो मत हैं मानने वाले. तो कैथलिक जो है वो ऑर्थोडॉक्स में मानते हैं, प्रोटेस्टेंट्स बने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के थ्रू, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया. किस चीज़ का प्रोटेस्ट किया? उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो क्रिश्चियन धर्म में अलग अलग ऐसी मान्यताएं थीं जो कहीं से मार्टिन लूथर किंग को लॉजिकल नहीं लगती थी, उसका उसने विरोध किया. और उसके बाद जो उसके अनुयायी थे, माने उसको जो मानने वाले थे, जो उसकी आइडियोलॉजी उसको मानने वाले थे, कि इल प्रैक्टिसेस, उन इल प्रैक्टिसेस को अपोज किया गया, प्रोटेस्ट किया, जिसके वजह से जो दूसरा सेक्ट क्रिश्चियनिटी में बना वो था प्रोटेस्टेंट्स. तो ये कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स थे. तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई स्कॉटलैंड की. स्कॉटलैंड के बाद आया आयरलैंड. आयरलैंड का भी यूनाइटेड किंगडम में एक तरह से विलय हो जाना, मिल जाना कह सकते हो आप. तो आयरलैंड वॉज ट्रीटेड इन सिमिलर वे एज स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड के ही तरह आयरलैंड को भी शामिल किया गया. कंट्री जो थी आयरलैंड की, दैट वॉज डिवाइडेड इन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि दोनों तरह के मानने वाले लोग थे. प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड एस्टैब्लिश डोमिनेंस. जो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाले ईसाई थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो एक तरह की पॉलिटिकल डोमिनेंस या आप कह लो कि पावर में आ गए. वो कैथलिक्स को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे थे. तो ये पार्ट तो हो गया आपका. यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मेशन में एक्ट ऑफ यूनियन 1707 काम किया. स्कॉटलैंड और आयरलैंड जैसी दो एरियाज या ज्योग्राफिकल रीजन्स यूनाइटेड किंगडम के पार्ट हो गए, कंप्लीट डोमिनेंस हो गया, वहाँ का लॉ यहाँ पर लागू हो गया, इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का. नाउ विजुअलाइजिंग द नेशन. नेशन को विजुअलाइज करना, विजुअल मीन्स कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई पोर्ट्रेट में दिखाना. तो यहाँ पे जो नेशंस था, जो नेशंस होते थे, जो देश होते थे, दे वर पोर्ट्रेट बाई आर्टिस्ट एज फीमेल फिगर्स. आप सॉरी आप ये देख सकते हैं कि जो एक किसी वुमेन के तौर पे, फीमेल फिगर के तौर पे नेशन को विजुअल इमेज दे दिया कि हाँ ये हमारा देश है. जैसे आप इसको समझने के लिए बेटर एग्जांपल आप अगर अपने कंट्री से ले लें तो ज़्यादा बेटर होगा. भारत माता. अब भारत माता आपने पढ़ा हुआ है नेशनलिज्म इन इंडिया में, हमारे यहाँ भी ऐसे कंसिडर किया गया. तो भारत माता एक्चुअल में कोई है नहीं, हम अपने नेशन को, अपने लैंड को एज अ मदर ट्रीट करते हैं, हम मातृभूमि कहते हैं.
जहाँ हमने जन्म लिया, हमारी जन्मभूमि मातृभूमि जो है, तो हम नेशन को एज अ मदर ट्रीट करते हैं, हम माँ समान मानते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कुछ हुई कि फीमेल फिगर्स को ही पोर्ट्रेट करने का एक ट्रेंड चल गया, और वो ट्रेंड कोई ऐसा लॉजिकल ट्रेंड नहीं था, वो सिर्फ आर्टिस्ट का पोर्ट्रेट किया हुआ ट्रेंड था जो यहाँ पर पहले ही शुरू हो गया था, आप ऐसे कह सकते हो, इंडिया में बाद में आया। तो ये फीमेल फिगर्स थे, इट डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन, मतलब कोई एक खास महिला के लिए नहीं था कि ये ही हैं, ये महिला हमारे देश के लिए बहुत आज़ादी में रोल प्ले की तो इनकी फिगर बना दो कि ये नेशन की फिगर है, ऐसा नहीं। वो एक जनरल फिगर्स होती थी, जैसे अपने आई भारत माता बनी तो कोई थी नहीं, मान लिया गया कि देश माँ की तरह है, तो एक इमेज पोर्ट्रेट कर दी गई अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो वो भारत माता की इमेज तैयार हो गई। वैसे ही यहाँ पे इन लोगों ने इट इज डड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन, वो पूरे नेशन को एक फीमेल फिगर के तौर पे पोर्ट्रेट किया इन्होंने। द फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ नेशन, एलेगरी मीन्स वेर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, खास करके लिबर्टी पे ज़्यादा आप ऐसे कह सकते हो कि ये फोकस्ड है। फ्रांस में शुरुआत हुई, फ्रांस में चूंकि लिबर्टी को वुमेन के नेचर से पोर्ट्रेट करके लिया गया, आर्टिस्ट ने बनाया जो, और वो ही अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया, इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। अ एलेगरी स्टोरी हैज़ टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिम्बॉलिक, एक लिटरल होती कि वास्तव में कोई महिला हो जिसकी कहानी के आधार पर हम बन जाए, और एक होता है सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक मने मने एक सिंबल के तौर पे, तो जैसे भारत माता सिंबल के तौर पे है हमारे यहाँ, वैसे ही इन लोगों ने एक फीमेल फिगर्स को पोर्ट्रेट करके ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे नेशन को वुमेन्स के तौर पे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन। वन मोर टॉपिक इज हियर, यू विल गेट अ स्क्रीन हियर ऑफ द कंटेंट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट इसके बाद ओवर हो जाएगा। एक छोटा सा और टॉपिक है वर्ल्ड वॉर का, ये भी लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका कंटेंट सामने दे दे रहा हूँ और फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। दैट इज बाल्कन्स, बाल्कन्स द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप, सी द टॉपिक इज हियर। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविना, इस तरह के देश जो आज के हैं ये उस समय बाल्कन्स में आता था। जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, माने जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, वो ब्रॉडली नोन एज स्लैब्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब ऑटोमन एम्पायर के ये कंट्रोल में एरिया था, जो रहने वाले लोग थे वो स्लैब्स थे। रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ पे भी स्प्रेड हुई बहुत तेज़ी से, और उसके वजह से बाल्कन का जो एरिया था वो डिसइंटीग्रेट होने लगा। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है कि जब टूट के बिखरने लगे, माने जो अलग अलग राज्य एक में मिले हुए हैं सब अपने को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे कि अब ये हमारा अपना देश है, ये हमारा अपना देश है। डिसइंटीग्रेट, जैसे रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ बाद में, जो है सोवियत रशिया से, यूएसएसआर से, वो रशिया हो गया, वैसे बाल्कन्स का रीजन एक्सप्लोसिव रीजन हो गया। यहाँ बहुत से वॉर और कन्फ्लिक्ट आपस में आने लगे। द बाल्कन्स स्टेट वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी। आपस में ही, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे राजा आपस में एक दूसरे से जलते थे और लड़ते भिड़ते रहते थे, जिसकी वजह से देश कमज़ोर हुआ और अंग्रेज आके रूल कर पाए, वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे अपने यहाँ यूनिटी नहीं थी। कुछ ऐसी ही कंडीशन बाल्कन्स रीजन में आ गई, जो ये कंट्रीज़ के नेम आपको दिए, और सब अपने को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे डिफाइन करने लगे। तो ये पार्ट हो गया बाल्कन्स का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लीडिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये लास्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे जाते जाते ये चैप्टर ओवर हो जा रहा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी फिगर आप देख लीजिए जो कंटेंट है उसके। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन, ये एक दूसरे से पावर होल्ड करने के प्रयास में थे और बाल्कन्स रीजन पे अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे। जो बाल्कन रीजन्स, रोमानिया, बुल्गारिया, छोटे छोटे देश जो अपने को अब आज़ाद देश बता रहे थे, अब उस पर कंट्रोल चाहते थे। और उस कंट्रोल के वजह से था क्या कि वॉर का कंसेप्ट सामने आ गया। वॉर की लड़ाई लड़ो, जीत के अपने टेरिटरीज में इसको, अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करो, अपना कंट्रोल बनाओ, कुछ इस तरह के टॉपिक्स आ गए। सो एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल ओवर एरिया, दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो कंट्रोल था, लड़ाई करते 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 गुट बनने लगे, लॉबिंग होने लगी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे इंसिडेंट सामने आए। तो जो नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914 तक जाते जाते लड़ाई छिड़ गई जो है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल चैप्टर है जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था यूरोप का।
और अगर इसमें कहीं डाउट होगी तो यू आर फ्री टू आस्क इट। एक दो बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस वैसे भी पर्सनल वॉल पे भी मेरे व्हाट्सएप करके पूछा था, डिस्कस किया था, आंसर भी मैंने दिया उन बच्चों को। आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पर्सनल वॉल पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, आप कॉल करके पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर ओवर हो गया, थोड़ा लेंथी चैप्टर था लेकिन ये पार्ट है आपके सिलेबस का अभी इस साल भी, तो इसलिए इसको कवर कर लिया गया है। रीडिंग एक बार अच्छे से चैप्टर को और समझना है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर आइडिया है कि आप इसकी रीडिंग एक बार ज़रूर कर लेना चैप्टर की जो है। और बाकी पॉइंट वाइज वीडियोस पार्ट में हैं यूट्यूब पे, आप जब भी चाहो जाके दोबारा भी किसी टॉपिक में डाउट है देखो, देखने के बाद भी डाउट अगर परसिस्ट करता है तो जैसा मैंने कहा कि आप बेहिचक मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसे भी यू कैन जस्ट क्लियर योर डाउट्स। और नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो का होगा, मैंने जैसा बताया कि अगला जो वीडियो आएगा वो प्योरली सिलेबस पे बेस होगा, जिससे मैं आपको सोशल साइंस के सिलेबस को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूं। तो अभी मैं आपको नाम बता दे रहा हूं दोज हु हैव कमेंटेड ऑन द लास्ट वीडियो। सो टुडेज क्वेश्चन फॉर कमेंट बॉक्स, द एक्ट ऑफ यूनियन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर, ये आज का आपका क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि एक्ट ऑफ यूनियन जो हुआ था बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वो किस ईयर में फॉर्मेशन हुआ था या इम्प्लीमेंट हुआ था, दैट ईयर यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड नाउ द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट दोज हु हैव कमेंटेड, आर्यन कुमार प्रजापति, देन सुमित शर्मा, वेदिका दुबे, अमितेश सैनी, नैन्सी शर्मा ने लिखा भी है, सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन द डिलीटेड पोर्शंस ऑफ सोशल साइंस, वी आर स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट द डिलीटेड पोर्शंस। श्योर बेटा, आज मैंने बताया ही आपको कि नेक्स्ट पूरा एक वीडियो ही सिलेबस पे होगा, एवरी डाउट विल बी क्लियर्ड देयर, जो भी सोशल साइंस सिलेबस से रिलेटेड डाउट है सब क्लियर होगा। देन वी हैव हर्षित दुबे, अंशु प्रसाद कौन है भाई ये, प्लीज़ आप अपना क्वेश्चंस आप पूछते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपना नाम भी लिखें जिससे कि मैं नाम ले सकूँ जो है। देन वी हैव गौरी हैज़ कमेंटेड, शुभांकुर मणि त्रिपाठी, देन आर्यन कुमार, सुधांशु कुशवाहा, देन वी हैव सैयद खुर्शीद, आई थिंक इट इज़ मारिया खुर्शीद, साहिल राज, अंश मिश्रा, श्रिया सिंह, खुश करमचंदानी, देन शुभम वर्मा, कृष्णा दुबे, नैन्सी शर्मा आंसर हियर, नित्यांश पांडे, मुस्कान माबिया, मारिया खुर्शीद आगे आ गया है नाम फिर से आंसर में, आयुषी पांडे, देन वी हैव अंशु प्रसाद अगेन, तो प्लीज़ नाइट योर नेम। तो ये बच्चे थे जिन्होंने कमेंट किया है, आज का आंसर भी ज़रूर कमेंट करना, वर्क सबमिट करते रहो टाइम पे आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस पे सिलेबस पे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।